अब देख लेते हैं कि आपने किसको चूज किया है एक एक करके. विल स्टार्ट विद हामिद. सर विपिन. क्यों विपिन क्यों? सर मैं जब सोच रहा था कि चैलेंज करना है तो इसी का मेरे को लगा कि यही मेरे माइंड में आया सबसे पहले, तो मेरा सबसे अनएक्सपेक्टेड वोट इसी का था मेरे खिलाफ, क्योंकि ये बोल के करता है वैसे, बट पिछली बार इसने बोल के किया नहीं. यही था कि मैं प्रूव कर दूंगा विपिन को कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं बैकस्टैब नहीं करता, मैं फालतू बातें नहीं करता, मैं परफॉर्म करने आया हूँ एंड परफॉर्म करके तेरी ले लूँगा. आप बता दीजिए. श्रेया. पूनम. पूनम. बिकॉज शी इज माय फ्रेंड एंड शी इज स्ट्रांग, सो आई वांट हर टू शाइन टुडे. मुझसे ज्यादा नहीं पर मुझे लगता है कि अगर वो जीत भी जाती है मुझसे तो वी विल बी ऑन द सेफर साइड. उसको जो दिन में मौका मिला वो नहीं परफॉर्म कर पाई उतना अच्छा, तो आई वांटेड टू गिव हर अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और जर्नी में सर्वाइव कर सके, क्योंकि एट द एंड वो मेरी दोस्त है यार. ओके अमन. सर अभिमन्यु. अभिमन्यु. या अभिमन्यु. तो मेरे को ऐसा लगा सभी बेवकूफ है यहाँ पे, मतलब अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी उसने अभिमन्यु का नाम लेके. इसके आगे इसमें बोल रहा था दाल देते तुम स्टार. I have full faith in him. I should have bet. मैं बोल रहा था इसके आगे दाल दो स्टार. No, no, he's a good one. This is the only. First of all, I'm very proud of you. I'll tell you why. एक तो चलो स्टार नहीं किसी ने किया तो बच गए. There's no pressure. उसको एक बार हरा दिया ना पीछे के सारे पाप धुल जाएंगे. तो मेरा अभिमन्यु को चैलेंज करने का यही रीजन था कि सबके चेहरे पे जो शॉक आ गई थी, सबके माथों पे जो सिकंज आ गई थी, वही मुझे दूर करना था कि अमन अभिमन्यु को चैलेंज कर सकता है और जीत भी सकता है. माइकल प्लीज डिसअपॉइंट मी. आई पुट वरुण बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस. जयंत. जयंत. वरुण सर ऐसी एक दुविधा में आ गए कि उनकी एक तरफ थी खाई और दूसरी तरफ था कुआं, क्योंकि उन्होंने अपना गैम्बल लगाया था माइकल के ऊपर और माइकल ने जिसको चैलेंज किया था वो थे वरुण सर के कैप्टन जयंत. तो अब वो माइकल को सपोर्ट करे कि वो जयंत को सपोर्ट करे, वो भाई अटक गए थे. सर मुझे अब ये लग रहा है ना कि अगर हारूंगा या जीतूंगा, बट मैं स्टार सर वापस नहीं जाने देना चाहता हूँ सर रफ्तार सर के लिए, क्योंकि अगर मैं हारता हूँ तो ऐसे भी वो जीतेगा तो स्टार एक आएंगे. अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं जीतूं या हारूं. जयंत कंफ्यूज था कि वो जीते या फिर हारे. उस बेचारे की तो कोई भी गलती नहीं थी, वो ऐसे ही फंस गया. जयंत परफॉर्म कर, जो होगा देखा जाएगा. इन द एंड जर्नी तुम्हारी, तुम में से कोई एक जीतने वाला है. ये सोच कि अगर तू एंड में फिनाले में खड़ा है और स्टार्स वार्स की बात होगी और तू रफ्तार को जिता सकता है, वरुण को जिता सकता है. यस सर. पर क्योंकि तू आज जानबूझ के एक स्टार के लिए हार गया, तू वहां पे है ही नहीं क्योंकि तेरे पास सिक्योरिटी नहीं थी. परफॉर्म कर. ओके इन द एंड तुमको आगे जाना है, ठीक है. आई वॉन्ट अ गुड कॉम्पिटिशन. जयंत को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, वो इस शो पे अपने लिए आया है. So I told both the guys to go all out and give us all a good fight. मैंने अपना star उस moment के लिए अपने दिमाग से निकाला और बोला just fight for the immunity, fight for your survival.